चुनावी दौर में पार्टियां अक्सर प्रचार के समय अपने विरोधी पार्टियों को अपशब्द बोलती है। जनता के सामने विरोधी पार्टियों के बारे में बोलना, उनकी खिल्ली उड़ाना, एक तरीके से उन्हें नीचा दिखाना होता है। लोगों के दिल और दिमाग में एक तरह से जहर घोलने वाला काम है। कुछ पल ऐसे होते हैं जहां ना चाहते हुए भी दूसरी पार्टी के लोगों का मजाक बनाया जाता है। देखा जाए तो यह पॉलिटिक्स नहीं है, दूसरे लोगों की निजी जिंदगी से खिलवाड़ है। उनकी बातें, उनकी बीमारियां, उनके रहन सहन को इस प्रकार बताया जाता है कि जैसे वह किसी योग्य नहीं। आखिर क्यों मंत्री, प्रधानमंत्री या नेता ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनमें सिर्फ नफरत की भावना होती है और इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ता है। आरोप प्रत्यारोप की रेस में सबसे आगे बीजेपी सरकार है। आए दिन खबरें आती हैं कि बीजेपी विधायक ने अपशब्द बोले तो किसी का मजाक बनाया। इसी प्रकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं जो कांग्रेस की खिल्ली उड़ाने के लिए एक मौका नहीं छोड़ते। कभी सोनिया गांधी तो कभी राहुल उनके मजाक का निशाना बनते हैं, तो कभी पूरे गांधी परिवार पे ही सवाल उठते हैं। नरेंद्र मोदी अक्सर अपनी रैलियों में विरोधी पार्टियों पर हमला करते दिखते हैं, परंतु उनके निशाने पर सबसे आगे कांग्रेस रहती है। क्या यह कहना गलत होगा कि पार्टियां चुनाव को चुनावी तरीके से नहीं जबकि एक युद्ध की तरह देखती है, जो जीतने के लिए कई ज्यादा नीचे भी गिर सकते हैं। नरेंद्र मोदी अपने खिल्ली उड़ाने के स्वभाव के चलते असली मुद्दों पर पर्दा डाल देते हैं, चाहे वह किसानों का मुद्दा हो या नौकरियों का मुद्दा। कई ऐसे मुद्दे सामने आए हैं जिनमें मोदी ने वादे तो किए परंतु उन्हें पूरा नहीं किया। 5 सालों से जो खुद को नजरअंदाज महसूस कर रहे हैं, उन्हें कुछ हफ्तों में तरह तरह के लॉलीपॉप थमाकर फुसलाया नहीं जा सकता। कांग्रेस को ढेरों गलतियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन इस हकीकत से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि 2014 से भाजपा सत्ता में है और उसने भी कई गलतियां की हैं जो नजरअंदाज नहीं कर सकते। पिछले दिनों की ही बात है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक स्किल इंडिया प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचे, साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस सत्र के दौरान शर्मनाक बात की जब एक छात्रा अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रही थी जो डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चों की मदद कर सकता है। इस दौरान भी मोदी ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाने से अपने कदम पीछे नहीं खींचे। राहुल गांधी पर हमला करने का कोई भी मौका न गंवाने वाले मोदी ने मौका देखते हुए खिल्ली उड़ाने के लहजे से पूछा कि क्या इससे 40-50 साल की उम्र के विद्यार्थियों को भी मदद मिलेगी। जब उस छात्र ने हाँ का जवाब दिया तब उन्होंने कहा, अगर ऐसा है तो ऐसे बच्चों की माँओं के लिए खुशखबरी है। इस पर सभी बच्चे हंसने लगे। देखा जाए तो डिसलेक्सिया या कोई भी अयोग्यता पर हंसने की बात नहीं है। भारत में अयोग्य व्यक्ति पर हंसना आम बात है। आम चलन में कोई भी व्यक्ति जो जाहिर तौर पर अयोग्य है, बद्दी ठिटोलियों का निशाना हुआ करते हैं, लेकिन हाल के वर्षों में लोगों को भावुक बनाने की कोशिश ने इस स्थिति में बदलाव लाना शुरू किया है। निश्चित तौर पर ऊंचे सार्वजनिक पद पर बैठे लोग किसी अयोग्य का मजाक नहीं उड़ाएंगे, उनसे तो मिसाल कायम करने की उम्मीद की जाती है। परंतु ऐसा नहीं है, ऊंचे पद पर बैठे लोग भी अक्सर अपनी अहमियत भूल जाते हैं और ऐसे शब्द बोल देते हैं जो शर्मनाक होते हैं। भारतीय चुनावों के लिए कमर कस रहे नरेंद्र मोदी विश्व भर के मंच पर प्रधानमंत्रियों के साथ मिलने जुलने वाले देश के नेता होने के बचे कुचे इज्जत को भी उतार फेंक रहे हैं और अक्सर अपने प्रिय निशानों मुसलमानों, कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार पर हमला करते हुए भोंडेपन को दिखाते हैं। इनमें से कुछ बातें तो निश्चित तौर पर सावधानी पूर्वक तैयार की गई होंगी और भीड़ की भावनाओं को जगाने के लिए और मतदाताओं को सही समय पर संकेत देने के मकसद से भाषणों में शामिल की गई होगी, लेकिन इसका मकसद साफ तौर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को यह बताना भी रहा है कि उनकी रणनीति आक्रामक तरीके से अल्पसंख्यक विरोधी और गांधी परिवार को सतत तरीके से गालियां देने वाली होनी चाहिए। आखिर चुनावी समय में प्रधानमंत्री क्यों इतना नीचे गिर जाते हैं कि उन्हें इस प्रकार की बोल का इस्तेमाल करना पड़े। कभी नेहरू और उनके वंशजों के खिलाफ बोला जाता है और यह बात किसी से छिपी नहीं है। चुनावी खेल में जिंदा लोगों पर हमला करने तक तो ठीक है, परंतु जो नहीं है उनके बारे में बोल कर क्या साबित करना चाहते हैं ये मोदी ही जाने। हालांकि पापों की पूरी सूची के लिए खास तौर पर नेहरू और सोनिया और राहुल गांधी को नफरत का निशाना बनाया जाता है। इतना अपमान करने के बाद भी मोदी जी अपनी जगह मजबूती से खड़े हैं। लोगों के दिलों और दिमाग में इस प्रकार की बातें डाली जाती हैं कि जनता ना चाहते हुए भी उन मुद्दों पर सोचती है जो कभी हुए ही नहीं। ऐसी स्थिति पैदा की जाती है कि आम आदमी उसमें फंस कर रह जाता है। परंतु इन सब के बावजूद भी राहुल गांधी ने सबको चौंकाया है। 3 बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद उन्होंने मोदी की नींद उड़ा दी है। मोदी के हाल ही में दिए बयान से इस बात साफ जाहिर होती है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने उनके सामने परेशानी खड़ी कर दी है, लेकिन सिर्फ मजाक उड़ाना या भद्दी टिप्पणियां करना ही मोदी की अलग अंदाज का हिस्सा नहीं है। प्रधानमंत्री के तौर पर पूरे हो रहे करीब 5 वर्षों से उन्होंने चौंकाने वाली संख्या में गलतियां की हैं और कई अजीब दावे किए हैं। उन्होंने डॉक्टर और सेलिब्रिटी से भरी एक सभा में ये दावा किया कि प्राचीन काल में जेनेटिक साइंस और प्लास्टिक सर्जरी का अस्तित्व था।
उन्होंने जलवायु परिवर्तन को नकार दिया और कहा जलवायु में परिवर्तन नहीं हो रहा है, दरअसल हम बदल रहे हैं। ऐसे झूठ किस स्तर पर बोले जा सकते हैं इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। वह मोदी जी हैं, जो बोलेंगे वह सत्य है। इतने बड़े दावे और इतने सारे झूठ के बावजूद भी उन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। यहाँ तक कि नाले से रसोई की गैस निकालने की बात भी उन्होंने ही दुनिया को बताई। मीडिया में इनकी और अनगिनत बार ध्यान दिलाया गया है और ट्विटर पे इनको लेकर हजारों चुटकुले बन चुके हैं, लेकिन यह सब उनके चाहने वालों को थोड़ा भी हिला नहीं सका है। उनके प्रति श्रद्धा रखने वालों को सिर्फ अच्छाई नजर आती है और बुराई किसी कोने की धूल बन जाती है। यहाँ तक कि वैसे लोग भी जो खुद को शहरी संस्कृत व्यक्ति समझते होंगे, वह भी उनके मजाकों या झूठों से परेशान नहीं होते, वह बस उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। इस प्रकार उनके प्रेम और उनकी भक्ति पर कोई आंच नहीं आती है। लोग मोदी की भक्ति में इस प्रकार डूबे हैं कि सिर्फ अच्छी बातों को ही देखा जा सकता है। वह उनके लिए सिर्फ एक आदत नेता या एक रोल मॉडल नहीं है जिनसे ऊंचे मानकों पर खरा उतरने की उम्मीद की जा सकती है, ना ही वे दूसरों की तरह महज एक राजनीतिज्ञ है। वे उन्हें दूसरी दुनिया का व्यक्ति मानते हैं जो मानवीय सीमाओं और कमजोरियों से परे है। इसलिए हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चाहे जो हो जाए, मोदी प्रेम में डूबे लोग उन्हें ही वोट देंगे। वे चाहे गलतियां करें या कोई असंवेदनशील टिप्पणी करे, मगर इससे उनके समर्थकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाल ही में जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ जवानों के साथ हुई घटना को लेकर भी मोदी ने काफी राजनीति खेली। पाकिस्तान में गलती से जाने वाले एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन को लेकर भी काफी राजनीतिक खेल खेलने पड़े। अभिनंदन की रिहाई को लेकर जवानों की शहादत का बदला लेना, इस पर उठ रहे सवाल को लेकर किस नेता किस पार्टी की जीत हुई, यह सवाल खत्म नहीं होंगे। कुछ समय से लग रहा था मोदी लहर कम होने लगी है, परंतु हाल ही में हुई सारी घटनाओं का खूब फायदा मोदी सरकार को मिला है। एक बार फिर से हर जगह मोदी के नारे लगाए जाने लगे हैं। अति राष्ट्रवादी मीडिया की एक तरफा रिपोर्टिंग किसानों और दूसरे वर्गों की समस्याओं पर पर्दा नहीं डाल सकती। वे मतदाता भी हैं और वे टेलीविजन चैनलों की खबरों को देखकर अपना मत नहीं बनाते हैं। विपक्षी पार्टियों इनका फायदा उठाने से पीछे नहीं रहेंगी। सभी क्षेत्र के लोगों को मनाने के लिए चुनावी रणनीति में बदलाव लाना होगा। मजाक बनाने वाली भद्दी टिप्पणियां या देशभक्ति का नुस्खा उन पर कारगर नहीं होगा जिनकी रोजी रोटी प्रभावित हुई है और जो अपने समस्याओं के लिए सरकार को दोष देते हैं। राहुल गांधी खिल्ली उड़ाई जा सकती है, लेकिन अभी वे कुर्सी पर बैठे हुए ना होकर कुर्सी के दावेदार हैं। यहाँ वहाँ किए जाने वाले मजाक या तंज से आगे की बेंचों पर बैठने वालों को हंसाया जा सकता है, लेकिन चुनावों में इनका कोई फायदा नहीं होने वाला है। किसी का मजाक उड़ाकर नरेंद्र मोदी असली मुद्दों पर पर्दा नहीं डाल सकते, ना ही आम आदमी जनता को बेवकूफ बना सकते। 5 सालों से बीजेपी सत्ता में है, परंतु जो काम उन्होंने नहीं किए उनका श्रेय भी वह लेते हैं। उनमें सबसे ऊपर मोदी हैं जो श्रेय लेने में सबसे आगे हैं। कई झूठ, कई वादे, कई ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो सामने दिखाई जाती हैं, पर वह सच नहीं है। चुनावी दौर में किसान और बागवान को याद करने वाली मोदी सरकार इस बार क्या कमाल करती है, समय ही बताएगा। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।